गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो आमे पूर्व क्लास रे स्टडी करथिले डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट जो थरे आमे पढ़ीथिले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर रो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे आंथर रे पोलन ग्रेन केमिति फॉर्मेशन होतला तो ता बिषय पढ़ीचे। तो पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर पढ़ीचे। तो टोटल ऑल ओवर आमे से लॉन्ग क्वेश्चन टाकु कंप्लीट करीचे। तो जो माने से लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो टाकु देखिना हो मुझे चाहूँगी ए वीडियो देखा पूर्व प्रथम से वीडियोटी देखी दियो, कारण से वीडियो भी ए वीडियो भली बहुत इम्पोर्टेंट आउ लॉन्ग क्वेश्चन आसे। तो आमे कौन पढ़ी ना आगुरु जो पढ़ी मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट जेटा को आम कहते माइक्रोस्पोर बोली। तो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट आगुरी पढ़ी सारे। तो ये कौन पढ़वा ना ता पर पाठ। तो मेगास्पोर केवल डेवलपमेंट हुए। तो आगर मु कहिथिले मेगास्पोर डेवलपमेंट हेले ही गुटे फ्रूट बा सीड टे फॉर्मेशन हो पारिबो, फ्रूट फॉर्मेशन हो पारिबो से एम्ब्रियो डेवलपमेंट रे। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हेबा पूर्वरु तो पूर्वरु कौन हुए ना फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए। तो फीमेल गेमेटोफाइट किभले डेवलपमेंट हुए तो टोटल आम कोर्स जानवा। ता पूर्वरु मु कहि रखुछि तो सब्सक्राइब करने द्वारा आमर मनोबल बढ़ो, जहाँफल आम भल भल वीडियो भी एथेर शेयर करूँ। सब्सक्राइब करिवारे कौन पैसा ये पड़ूनी, फ्री सब्सक्रिप्शन जो थे फ्री सब्सक्रिप्शन ले समस्ते फ्री रे ए पाठ पढ़ी पारे। तो ये पाठ पढ़ापाई हेले तो यहाँ को सब्सक्राइब कर दि, जहाँफल आम आहरी भल भल कंटेन्ट गुड़ाक आणवु। आ सब्सक्राइब कर सारापर पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करदे, जहाँफल नोटिफिकेशन ऑन हो जिवो। आमे जत्ते बेले भी कौन सी गोटे वीडियो आम छाड़बू सर्वप्रथमे यह आपण मैंने देखिपरिबे। तो एबे आसो आमर कंटेंट को जीवा। तो मु पूर्वर कही बारंबार भी कहूँ आमर ए कोर्स गुड़ाक हो नोट बेसिस क्लास, जो थे सबु किछि नोट सबु पॉइंट बेसिक नोट बा कांसेप्ट ऑफ बेसिक नोट सबु किछि एठी मिलि परिबो। तो नोट बेसिस क्लास रे एटा रिविजन क्लास नुहे, जो थे अधिक टाइम वीडियो हो जिवो आउ देखिया पई बहुत टाइम लागिवो। एटा टाइम टेकिंग वीडियो नुहे, बहुत इजी रे बुझि परिबो। आउ कांसेप्ट बेसिस क्लास देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, आमे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ीचे। तो मु कहिबी कैमरा टाकु ठीक रे आणिकी सेट करिवे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रे पिलांकर टिके नोट लेखिबार असुविधा होची। तो पिला माने कमेंट करुछंती सर आपण को अक्षर आम देखि पारनु, नोट लेखिबार टिके बहुत असुविधा होची। तो देखो पिले तो आम कौन पढ़ुचे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जमीन आम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ी सारी। तो एबे आम पढ़ुचु फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट किए, फास्ट पार्ट किए ना गाइनोएशियम। गाइनोएशियम कौन कंटेन्ट कर थाए स्टिग्मा स्टाइल उभारी। गाइनोएशियम तीन टा पार्ट कंटेन्ट कर स्टिग्मा स्टाइल उभारी। तो यहाँ है गाइनोएशियम जहाँ को आम कौन पिस्टल बोले। तो गाइनोएशियम भी विभिन्न प्रकार गाइनोएशियम अच्छी, कौटी फ्यूज आकार रोचे, कौटी फ्री आकार रोचे, कौटी मोर आकार रोचे। मोर मैंने अनेक प्रकार गाइनोएशियम अलग अलग मानने मेनि टाइप्स गाइनोएशियम भी गोटे जगह रही हो। तो कत फ्री है कि गाइनोएशियमटा रोचे, जमी आम चंपा फुलर देखुचे। तो चंपा फुलर केमी तार गाइनोएशियम रही, तार स्टिग्मा स्टाइल उभारी केमी रही ना सब फ्री है अच्छे। तो लक्ष्य कर तो जापर। तो यहाँ गाइनोएशियम, गाइनोएशियम आम काम कौन कहू ना फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है गाइनोएशियम। मन रख फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किए गाइनोएशियम मन रहा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है गाइनोएशियम के भूलबनी। तो मुझे जो बड़े ये कोर्स को कंप्लीट कर सारापर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने को जी, तो यमी क्वेश्चन आसो तो से इम्पोर्टेंट ये रोचे। देख फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जहाँ को आम कौ गाइनोएशियम, ताले कौन हला ना नोट लेख पिले, नोट लेखा स्टार्ट कर। तो गाइनोएशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। गाइनोएशियम मे हैव डिफरेंट फॉर्म, मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पल और पिस्टल, मल्टीकार्पिलरी, मोर देन टू कार्पल एंड साइनोकार्पस जेटा को फ्यूज कार्पेल बोली कहा जाए, आपोकार्पस जेटा को फ्री कार्पेल बोली कहा जाए। तो ये आम कौन जान ले, कौन जान ले ना गाइनोएशियम होची जे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रो
गोटे पार्ट जेटा को मेन पार्ट बोली कहू ताने फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहिले गाइनोसोम को बुझू। तो गाइनोसोम विभिन्न प्रकार गाइनोसोम अच्छी, गाइनोसोम प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार प्रकार अच्छी। तो कौन कौन सब गाइनोसोम प्रकार अच्छी ना आम पढ़ले मोनोकार्पिलारी। मोनोकार्पिलारी माने कौन ना मोनोकार्पिलारी माने हला सिंगल कार्पल रहिबो। तो कार्पल सिंगल रहिबो, कार्पल सिंगल, सिंगल कार्पल माने कौन स्टिग्मा स्टाइल उभारी सिंगल रहिबो। तो समस्त देखिथिबो चाइना रूज, तो चाइना रूज रे एमिती थाए, तो चाइना रूज रे सिंगल कार्पल थाए, तार स्टिग्मा स्टाइल उभारी सिंगल हेकि थाए। तो सिंगल थिले ताको आमे कौन कहिबा मोनोकार्पिलारी बोली कहिबा। तो नेक्स्ट को चलो तो मल्टीकार्पिलारी। मल्टीकार्पिलारी माने कौन ना मल्टीकार्पिलारी माने टू और मोर कार्पेल प्रेजेंट। टू और मोर कार्पेल प्रेजेंट कौटी आम देखुचु ना हिबिकस। हिबिकस आम देखुचु मंदार फूल जहाँ आम कौ। तो ये मंदार फूल आम देखुचु कौन ना तार कार्पिलारी मोनोकार्पिलारी रोचे। तापर नेक्स्ट को आस साइनोकार्पस। साइनोकार्पस फ्यूज कार्पेल हो तो कार्पेलटा तार फ्यूज, कार्पेलटा तार कौन ना फ्यूज आकार। तो कौ जगार आम देखू समस्त देखिथिबो जे कि लिली कईम फूल, कईम फूल जो कार्पेलटा थाए से फ्यूज आकार रे कार्पेलटा थाए। तो तापरे आपू कार्पिलारी। आपू कार्पिलारी माने मीन्स फ्री कार्पेल्स। मुझे चंपा फूल कथा तो ये आम फ्री कार्पेल्स देखू। डायग्रामटा केमी स्ट्रक्चरटा केमी आउ थे भल भाव नोट को देख, नोट को बुझापी चेष्टा कर जे कि गाइनोसोम रिप्रेजेन्ट्स, गाइनोसोम रिप्रेजेंट करुची द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को मन रहा तो गाइनोसोम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट तने ऑफ द फ्लावर। गाइनोसोम मे हैव डिफरेंट फॉर्म, गाइनोसोम मे हैव डिफरेंट फॉर्म कौन ना मोनोकार्पिलारी सिंगल कार्पेल और पिस्टल प्रेजेंट, मल्टीकार्पिलारी मोर देन टू और टू कार्पेल प्रेजेंट, साइनोकार्पस फ्यूज कार्पेल आ गोटे आपू कार्पस जोटा को फ्री कार्पेल बोली आम कौ। डायग्राम को देख, डायग्राम रे देख यहाँ कि प्रकार डायग्राम मुझे टी डायग्राम को जूम करेंगे। तो यहाँ कि प्रकार डायग्राम ना ये डायग्रामटा है सिंगल कार्पेल डायग्राम। सिंगल कार्पेल आर स्टिग्माइटा, आर स्टिग्माइटा एटा स्टाइल आउ एटा उभारी जोठी उभ्यूल गुड़ाक रही देखा। तो यहाँ कौन ना ये गोटे सिंगल कार्पेल, ये कौन गोटे सिंगल कार्पेल। मल्टीकार्पेल, मल्टीकार्पिलारी जहाँ को आम कौ तो मल्टीकार्पिलारी यहाँ आर कौन ना स्टिग्मा डिफरेंट रोच। तो स्टिग्मा स्टाइल उभारी। तो ये कार्पेल कौन रोच ना मोर रोच। एटी कौन ना फ्यूज कार्पेल। देख ये प्रकार कार्पेल आम कौट देखुचु मुझे पद्म कईरे ए फूल आम कौन देखुचु एमती कार्पेल गुड़ाक थी। तो यहाँ कौन यहीटा तार स्टिग्मा स्टाइल, यहीटा तार ओभारी, यहीटा है ओभारी, यहीटा है स्टिग्मा। तो ये कौन हो ना सब गुड़ा फ्यूज होती। तो यहाँ को कह फ्यूज कार्पेल आउ ए प्रकार गाइनोसोम कौटे देखू ना ये प्रकार गाइनोसोम चंपा फूल देखू जहाँ को आम कौ आपू कार्पस बोली। तो आपको आपू कार्पस, यहाँ है साइनोकार्पस, यहाँ है कौन ना मल्टीकार्पिलारी, यहाँ है मोनोकार्पिलारी बुझेगा। तो नेक्स्ट कौन जानिबा ना कार्पेल कौन। कार्पेल मु बारंबार कहूँ कार्पेल बा पिस्टेल होची गोटे रिप्रोडक्टिव पार्टे कहार ना फ्लावर रो। फ्लावर कि प्रकार रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थे कौन रोची स्टिग्मा स्टाइल उभारी रोची। स्टिग्मार काम कौन, स्टिग्मार काम कौन ना जो थे स्टिग्मा गोटे पुलेन ग्रेन को कौन करे ना रिसीव करे। जो पार्ट्रे पुलेन ग्रेन को स्टिग्मा कौन ना आम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रिसीव करे, रिसीवर पार्ट है स्टिग्मा। आ स्टाइलटा कौन ना स्टाइल स्टाइल फंक्शन कौन रोचे ना पुलेन ग्रेन रु कौन करुची ना एम्ब्रियो पाथटे गोटे जेनेट हो, एम्ब्रियो पाथटे जेनेट हो जो जगार पुलेन पाथटे जेनेट हो जगटा को आम कौन कौचे ना स्टाइल बोली कौचे। आउतापर उभारी, उभारीटा सोलो पार्ट गोटे रोचे उभारी जो थे पुलेन कौन रोचे ओभ्यूल्स गुड़ाक प्रेजेन्ट रोचे। तो ये देख कार्पेल, तो कार्पेल कार्पेल कौन
ना कार्पेल पार्ट ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हैला उटे कार्पेल ये कंसिस्ट्स करछि निम्न प्रकार रो कोन सबू ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मन रहला कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी काम कोन ना स्टिग्मा इट रिसीव द पोलन ग्रेन लेखिलो इट रिसीव द पोलन ग्रेन ये रिसीव करछि पोलन ग्रेन को आ स्टाइल स्टाइल रो काम कोन ना पोलन ट्यूब टे ग्रो करिवा पुलन ट्यूब टे ग्रो करे एंड रिचेस द ओव्यूल ओव्यूल रे नै कि पहुंचाए तो पुलन ट्यूब टे ग्रो करे केमिति मु ए कथा आगुरु कहिछि जे कि हमर कोन ना मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रे पोलन ग्रेन रो जो कोट थाए डबल कोट थाए जोडा को एक्जिनी बोली कहु आ भीतर कोट को जहा को इंटेनी बोली कहु तो सेथि सेही सेपाटा पढेला बेले मु भल भाव रे बुझैतिली जे कि स्टाइल रे से कोन केमिति काम करूची जो माने सेटा को जानि न एबे मु चाहूची आगे सेटा देखो तापर एटा को देखो आराम से बुझी परिवो तापर ओवरी ओवरी कोन रहूची ना ओवरी दैट कंटेन ओव्यूल जे कि ओव्यूल कंटेन करिची आउ फॉर्म एग एग को तैयार करे देखो ओव्यूल कंटेन करे ओवरी ओव्यूल कंटेन करिची सत तने ओव्यूल रे कोन हुए ना गुटे एग फॉर्मेशन बा पई गुटे प्रोसेस काम करे जहा को कहा जाए कोन ना मेगास्पोर जेनेसिस मने रखो एबेट मु काही कह दउची ना आगु को हमर सेई पाठ पढिवार अछि ताकु इजीली आमे बुझी परिबा तो एबे कोन जानिलो ना जोटी एगटा फॉर्मेशन होउची बा जे प्रकार रे एगटा फॉर्मेशन होउची एग फॉर्मेशन होय कोटी ओव्यूल रे तो ओवरी भितर जो ओव्यूल गुडाक रहिची ता भितर एग फॉर्मेशन होय तो एग जते बेले फॉर्मेशन हबो बा एग सेक जेतेला जते बेले फॉर्मेशन हबो तो तार गुटे प्रोसेस को आमे कोन कहू ना एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हबा प्रोसेस हला मेगा स्पोर जेनेसिस मने रखो एम्ब्रियो सेक एम्ब्रियो रो गुटे सेक टे एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हबा प्रक्रिया टा हला कोन ना मेगा स्पोर जेनेसिस किंतु एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हबा पोरे एम्ब्रियो सेक टा डेवलपमेंट हबा पोरे कौन हुए ना एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हवा पर एग फॉर्मेशन हुए मन रख एग फॉर्मेशन हुए आगे एग फॉर्मेशन हो जीवनी आगे कौन हम आर गोटे सेकटे फॉर्मेशन हम आर जे सेकटा फॉर्मेशन हम बाकू कहु एम्ब्रियो सेक बोली तो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हवा प्रक्रिया है मेगा स्पोर जेनेसिस किंतु जतबले एग फॉर्मेशन हम ताकू कहा मेगा टू जेनेसिस मन रहला मेगा स्पोर जेनेसिस मेगा टू जेनेसिस कन्फ्यूज हेनी तापर नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ओव्यूलटा के भली थाए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भल भाव देख स्ट्रक्चरटा को बुझाप ट्राए कर आर नोट भी मुझे प्रोवाइड करदेवि तो नोट भी आर अच्छी नोट जापर कि पूर्वर आगे स्ट्रक्चरटा देखि जाओ नोट जाना पूर्व स्ट्रक्चर कौन सब अच्छी कहीं सब नेमिंग अच्छी तो कौन कौन सब नेमिंग अच्छी आपको सब टे देखि जाओ तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ओव्यूल स्ट्रक्चर जदि आम जा गोटे है ओव्यूल एटा कौन डायग्राम अच्छी ना एमती है गोटे ओव्यूल मु आगुरु कही जो थे आम जदि यू गोटे स्टिग्मा यटा को स्टाइल यटा को ओवरी बोली करूँ लाइट यहाँ है स्टिग्मा यहाँ कौन स्टिग्मा यहाँ है स्टाइल यटा है ओवरी तो आ भितर गोटे प्लाजेंटा थाए तो प्लाजेंटा रे सबू स्टॉल्क रे ओव्यूल गुड़ाक सब झुली था ओव्यूल गुड़ाक सब एमती रही था तो युवा सब ओव्यूल ये सब ओव्यूल मन रहा ये सब ओव्यूल तेन ओव्यूल गोटे अच्छे कि नाई ओव्यूल ढेर अच्छी तो ओव्यूल ये द्वारा स्टॉल्क रे सब ये मैंने झुली था तो ये स्टॉल्कटा कौन स्टॉल्कटा कौन एटा है प्लासेंटा एटा है प्लासेंटा ए प्लासेंटा सह ए ओव्यूल गुड़ाक कौन करा ओवरी अच्छा तेनाली ओवरी से माने अटैच था का हेल्प रे ओव्यूल ओवरी अटैच थाए प्लासेंटा हेल्प रे
किंतु प्लाजेंटा रु जो स्टल केराइज होती ताकु कौन कहिबा ना फनिकिल बोली कहिबा मन रहिला तो याकु कौन कहिबा फनिकिल बोली कहिबा तो ये फनिकिल जे पॉइंट रे सेटा बाजुची बा जे पॉइंट रे आचा अटैच होती से पॉइंटा को कौन कहिबा ना से पॉइंटा को कहिबा कौन हाइलम बोली तो आगुरे एक कथा आमे टिके टिके जानी थिले फर्स्ट ईयर रे तो एबे ताको विश्लेषण करके जानिबा देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जेडा को आमे कहू मेगास्पोरोजेनियम मेगास्पोरेंजियम कौन मेगास्पोरेंजिया कौन ना मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल रा सिंगल वर्ड सिंगल फॉर्म आता को प्लुराल को कले मेगास्पोरेंजिया हबो कन्फ्यूज हबनी तो एटा कौन ना एटा हला ओव्यूल टे এই যে ছোট ছোট কথা কইলে এই এই হলো ওভিউল আপর গুটা আমি নালে তো এমিতি স্ট্রাকচারে ওভিউল থাকে তো এইটা মনে কর প্লাসেন্টা এইটা কোন প্লাসেন্টা মনে রইলা এই এই যে এন্ডরে সি আটাচ হইছি উভারি সহ যে এন্ডরে আটাচ হইছি উভারি সহ সি হলা প্লাসেন্টা আউ যে প্লাসেন্টা এন্ড থাকে সেই এন্ড কু বা তাকু পুল কু আমি কোন কহু না মাইক্রোপাইল পুল বা মাইক্রোপাইল এন্ড তার মাইক্রোপাইল এন্ডটা কোন না যোটি অ্যাটাচমেন্ট এন্ড আউ তার অপর অপর পার্টটা বা অপর এন্ডটা কু কহান্তি কোন কহান্তি না চালাজা এন্ড মনে রইলা মাইক্রোপাইল এন্ড কোন লাগিতিবা এন্ড आउ चालाजा एंड तार ओपर पार्ट एंड हला चालाजा एंड बुझेला चालाजा कोला आउ माइक्रोपाइल एंड बुझ पल्लो तो ये दुटा एंड गुडा को ए दुटा पुल पुल जेमिति मैग्नेट पडितबो फिजिक्स रे तो मैग्नेट रे जेमिति दुटा पुल थाए सेमिति ये दुटा पुल बुझुस तो ये हला चालाजा पुल ये हला माइक्रोपाइल पुल एटा कोन ना एटा हला प्लासेंटा आमे जानिले तापर प्लासेंटा सो जे स्टॉल करे से लागिची से स्टॉल को आमे कोन कहले फनिकिल बोली कहले जो पॉइंट रे से अटैचमेंट हिची ताको आमे हाइलम बोली कहले किंतु एटा हला कोट एटा हला कवर एटा डबल कोट सिंगल कोट अछि डबल कोट अछि तो एई कोटटा कोन कहंती एई आउटर कवर को बा एक्स्ट्रा कवर एक्स्ट्रा आउटर कवर को कौन कहती ना इंटेग्यूमेंट बोली कहती मने रख एटा ये जो एक्स्ट्रा कवर अच्छी एम्ब्रियो रो जो एम्ब्रियो रोची एम्ब्रियो सेक रोची एम्ब्रियो सेक तो पर डेवलप हुए से भितर किसी एम्ब्रियो जिते बारे इनमेच्योर थाए से एम्ब्रियो न थाए मेच्योर है एम्ब्रियो टे डेवलपमेंट हुए तो ये आपको जो कवर देखिए कवर देखा इंटेग्यूमेंट ताको सही कवर को बा कोट को कौन कहती इंटेग्यूमेंट बोली कहती तो आउ आ भीतर जो सेल अच्छी भरपूर जे सेल पारेन्काइमेटो टिश्यू प्रेजेंट अच्छी से पारेन्काइमेटो टिश्यू को कहती न्यू सेलोज ताको कौन कहती न्यू सेलोज ताने न्यू सेलोज बुझिलो आ भीतर बोथिबा सेल को कहती न्यू सेलोज आउ इंटेग्यूमेंट भी बुझिल इंटेग्यूमेंट है कोटटा हाइलम भी जान लो जोटी पॉइंट आटाच हो कौन ओव्यूलटा फनिकिल सह फनिकिल भी बुझिल जोटा कौन है ना स्टल्कटा जोटा एराइज हो प्लाजेंटा रू गला ओव्यूल करते प्लाजेंटा भी जान लो जे जहाँ साहय ओभारी सहित ये कनेक्ट अच्छी तो एम्ब्रियो सेक पर डेवलप हुए एम्ब्रियो सेक कौथे डेवलप हुए ना मेगास्पोर मदर सेल मने रख मेगास्पोर मदर सेल रु सी मदर सेल रु ही ये एम्ब्रियो डेवलप हुए पर डेवलप हुए तो ये एम्ब्रियो सेक रे कौन थाए ना एम्ब्रियो सेक भीतर सब सेंट्रल सेल थाए गुड़ाक सेंट्रल सेल नुहे आ भीतर जो सेल अच्छी ये भी हेला सेंट्रल सेल थाए मन रख तो एम्ब्रियो सेकटा पर डेवलप हुए ता भीतर कौन थाए ना सेंट्रल सेल थाए जो थे चालाजा एंड आड़क जो तीन टा सेल आम देखुचे तीन टा न्यूक्लियस भी रही कहा जाए आंटीपोडल सेल तो आंटीपोडल सेल कौन कौन करे ताको आमे परे जानिबा तुम्हें खाली एतिक जान जेहेतुटा डायग्राम बेसीस पढ़ुचे तो यहाँ डायग्राम बेसीस कही रखुची एटा है फास्टा आंटीपोडल सेल जी की चालाजा एंड थाए सेमती तीन टा सेल तले थाए जो थे दुटा है साइनर्जिट सेल पाखपाखे ए साइड रे गुटे सेल थाए ए साइड रे गुटे सेल थाए से साइड सेल हला साइनर्जिट किंतु मिडिल रे जो लंबा सेल टे बड़े सेल टे थाए से सेलटा कह जाए एग सेल से एग टा फॉर्मेशन हुए बुझेला एटा हला एग सेल ताने
एग सेल कौ एंड रे थाए एग सेलटा माइक्रोपाइल एंड रे थाए माइक्रोपाइल एंड रे माने एग सेल मझे थाए आउ ता चारि पाखरे दी पाखरे कौन थाए ना दी पाखरे साइनर्जिड सेल थाए आउ मझे गुटिए सेल किंतु दीटा न्यूक्लियस एम देखो गुटिए सेल माने दीटा सेल हबा कथा किंतु गुटिए सेल दीटा न्यूक्लियस मन रखिबो एटा ला सेकेंडरी न्यूक्लियस बोली कहंती कौन कहंती सेकेंडरी न्यूक्लियस एबे डायग्राम टा को जानि पालो तो आर नोड टा को आमे जानिबा आर नोड टा को आमे देखिबा तो आकु स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल रे केमिति आमे ताको रिप्रेजेंट करिबा नोड बेसिस रे ना लेखिबा फर्स्ट मन रखो लेखिबा फर्स्ट कौन लेखिबा ना लेखा स्टार्ट करो ओव्यूल और माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी बाय प्लासेंटा लिखिल कौन बुझला एटा ना ओव्यूलटा जेटा को हमें माइक्रोस्पोरेंजिया बोली कहले सी अटैच थाए ओवरी वॉल सह प्लासेंटा द्वारा तने बुझि पालो तो प्लासेंटा द्वारा ओवरी वॉल सह सी अटैच थिल अटैच थाए नेक्स्ट पॉइंट रे हमें प्लासेंटा कथा जानिले तापर फनिकल प्लासेंटा गला प्लासेंटा बुझिपाल तो प्लासेंटा सरला तापर नेक्स्ट है फनिकल कौन जानवा फनिकल ना इच ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय स्लेंडर स्टॉल्क कॉल्ड फनिकल बुझेगा तेने प्रत्येक ओव्यूल गुड़ाक अटैच था प्लासेंटा सह बाय स्लेंडर स्टॉल्क स्लेंडर स्टॉल्क रे किए ना फनिकल सीला फनिकल तो फनिकल कौन ना स्लेंडर स्टॉल्क जो स्लेंडर स्टॉल्कटा आम पाचे पाइप आकार रे वृंतटा आम पाचे साकु आम कौन कहचे ना फनिकल बोली कहचे तापर नेक्स्ट पॉइंट मुझे सब कही सारी तो आप देख जे पॉइंटा आम बाजुची जा कौन पॉइंट बाजुची माने फनिकलटा ओव्यूल सांगे जेटी मिशुची से मिसिबा जगटा कौन ना से मिसिबा जगड़क आम हाइलम बोली कहू देख द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड हाइलम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहार ऑफ फनिकल टू ओव्यूल तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकल टू ओव्यूल कॉल्ड हाइलम तो ताकु आमे हाइलम बोली कहू तापर नेक्स्ट नेक्स्ट रहला न्यूसेलोज न्यूसेलोज कौन ना न्यूसेलोज मु कहितली जे कि पारेन्काइमा सेलटा बा पारेन्काइमा टिश्यू गुड़ाक जो प्रेजेंट अच्छी कौटी ओव्यूल ताको आम न्यूसेलोज बोली कहूँ तो लिखब द ओव्यूल कंटेन पारेन्काइमा टू सेल कॉल्ड न्यूसेलोज मन रहा द ओव्यूल कंटेन पारेन्काइमा टू सेल्स कॉल्ड न्यूसेलोज तापर नेक्स्ट नेक्स्ट है कौन ना इंटेग्युमेंट इंटेग्युमेंट मुझे टोटल आमर ओव्यूल को जी कभर करके रखी जे कोट फॉर्मेशन करी से इंटेग्युमेंट किंतु ये इंटेग्युमेंट जे कोटा से कौन करुची चालाजा एंड रे भल भाव देख चालाजा एंड रे सी प्रेजेंट ना डायग्राम टा कह भी टी शो करेबे पिला तो ये देख आमर जो आम जानी ये गुड़ाक जो इंटेग्युमेंट ये जो बाहरी ये गुड़ाक आम इंटेग्युमेंट बोली कहते कहते तो ये इंटेग्युमेंट भल रंग देख चालाजा एंड रे ये प्रेजेंट अच्छी कि नाई प्रेजेंट ना कौ एंड रे प्रेजेंट अच्छी कौ एंड रे प्रेजेंट अच्छी आपको आम कह कि माइक्रोपाइलर एंड रे प्रेजेंट अच्छी बोली हाँ कहींपर कि माइक्रोपाइलर एंडटा ओपनिंग पार्ट कर तो माइक्रोपाइलर एंड रे ये ओपन हो किंतु चालाजा एंड रे जम मारु नहीं तो देखिए जानी पार्ल तो एबे देखो तार नोटा तो ये इंटेग्युमेंट तो इंटेग्युमेंट कौन ना मल्टीसेलुलर कोट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्युमेंट मुते कथा कहीं कहली ना नेक्स्ट को आम जानवा चालाजा कौन माइक्रोपाइलर एंड कौन तो सेतबेला आमको यहाँ दरकार हम एबे देखो Where integument not present is called चालाजा एंड जो थे इंटेग्युमेंट नहीं जो ये रे ताको आम चालाजा एंड बोली कौचु एंड अल्सो व्वेर इंटेग्युमेंट ओपनिंग अल्सो व्वेर इंटेग्युमेंट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड बुझेगा
तो जो जगार आमर इंटरगुमेंट नहीं चालाजेंड बोली कहले जो जगार इंटरगुमेंट ओपनिंग होमें माइक्रोपाइलरी एंड बोली कहले तो नेक्स्ट गोटे पॉइंट आम लिखा लास्ट को गोटे पॉइंट लिखा तार नाटा कौन देख भाव देख द फीमेल गेमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूसेलज इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक भल भाव देख एम्ब्रियोसेक एम्ब्रियोसेक कौन फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक कौन फीमेल गेमेटोफाइट मन रहा एम्ब्रियोसेक हला फीमेल गेमेटोफाइट एही फीमेल गेमेटोफाइट जे कि न्यूसेलज रे लोकेटेड थाए ताको आमे एम्ब्रियोसेक बोली कहले हला तो एम्ब्रियोसेक एबे जानिबा कौन ना एम्ब्रियोसेक किभली डेवलप हुए एबे आमर जानिबा कथा कौन ना एम्ब्रियोसेक किभली डेवलप हुए तो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट प्रक्रिया को आमे कौन कहउथले मन अच्छे तो आम कहते कौन ना मेगास्पोरोजेनेसिस मन पड़ा तो आम कहते मेगास्पोरोजेनेसिस बोली तो मेगास्पोरोजेनेसिस कौन ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड एम्ब्रियोसेक जहाँ को आम मेगास्पोर कहले फ्रॉम द डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल बाय म्यूसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरजेनेसिस बुझीगला आउ थे मुझे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड एम्ब्रियोसेक जहाँ को आम कहले मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल बाय म्यूसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरजेनेसिस मेगास्पोरजेनेसिस कौन आम बुझे तार मेगास्पोरजेनेसिस है जो थे हैप्लोइड एम्ब्रियोसेक डेवलप हुए एम्ब्रियोसेकटा कि बोली हैप्लोइड एम्ब्रियोसेक हैप्लोइड गैमेट तो हैप्लोइड गैमेट जो थे फॉर्मेशन हुए जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन हुए बाय मेगास्पोर जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन हुए कौटू ना डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल गोटे मदर सेल रु जे डिप्लोइड थाए पूर्वर जे डिप्लोइड थाए ता पाखर गोटे हैप्लोइड सेल रे फॉर्मेशन हबा प्रक्रिया को आम कौच कौन ये ना मेगास्पोर जेनेसिस तेनाली बुझिपारल तो ये हैप्लोइड डिप्लोइड कौन ना क्रोमोजोम अधाई तो क्रोमोजोम जिते नंबर रे क्रोमोजोम थाए तार अधाई जाए क्रोमोजोम आउ सेलटा दुईटा सेल हो जाए म्यूसिस डिविजन माने क्रोमोजोम अधाई बुझला तो म्यूसिस सेल डिविजन रे क्रोमोजोम अधाई जाए कि माइटोसिस सेल डिविजन रे क्रोमोजोम समान थाए एटा हला डिफरेंस तेनाली देख तो आम जानले कौन जो प्रोसेस रे हैप्लोइड एम्ब्रियोसेकटा बा मेगास्पोरटा फॉर्म हला डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल रु ताको आम कहले मेगास्पोर जेनेसिस बोली तो ये मेगास्पोर जेनेसिसटा कौ जगार हुए एबे टिके कहबी डायग्राम को लेबे तो डायग्राम रे मु देखे दउची पिलांको देख एही जगार मेगास्पोर टे हला एटा को आम कहू कौन एटा को कौचु मेगा मेगास्पोर जेनेसिस हला पोरे ना एटा फॉर्म हबो एम्ब्रियोसेकटा फॉर्म हबो तो कौ जगार हला कौ जगार हला आमे कहबा चालाजेंड रे हला ना माइक्रोपाइलरी एंड रे हला ना माइक्रोपाइलरी एंड रे हला भलो भाबरे देखो माइक्रोपाइलरी एंड को आमे देखुचे माइक्रोपाइलरी एंड रो निकट रे हला तो ये चालाजेंड को जाइछि कि ना चालाजेंड को जाइने ता माने एठी कोन होउछि ना देख मु एटी तुमको गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे डायग्राम रु शो करवाक चाहूँगी जो थे यहाँ स्पोरोजेनियस टिश्यू थाए आ भितर न्यूसेलस टिश्यू अच्छी तुम सब जान लो पारेन्काइमाटू टिश्यू जहाँ को आम न्यूसेलस बोली कहले अधिक क्वांटिटी कंटेन करतीत स्पोरोजेनियस टिश्यू अच्छी मन रहा कौ प्रकार टिश्यू स्पोरोजेनियस टिश्यू तो ये स्पोरोजेनियस टिश्यू जहाँ को परवर्ती समय रे कहा जाए फंक्शनल मदर सेल जहाँ को आम परवर्ती समय रे कहू कौन ना ये है गोटे फंक्शनल मदर सेलटे जे कौन करे ना हैप्लोइड गैमेट फॉर्मेशन करी पारे तो ये स्पोरोजेनियस टिश्यू ए जगार जो स्पोरोजेनियस टिश्यू थाए सी कौन हुए ना चारिटा मन रख कतटा चारिटा तो चारिटा हैप्लोइड सेल गठन करे तो एम्ब्रियो कौन चारिटा कि भल भाव देख एम्ब्रियोटा कौन चारिटा कि एम्ब्रियोसेक गोटे ताने आउ तीनटा कौन हुए आउ तीनटा डीजेनेरेट हो जाए पूरा आटे कि तार सत्ता रहे शेष हो जाए तो ये कहूँ तो गोटे केवल रहे
आउ तीनटा नष्ट हो जाए तो डीजेनरेट हो जाए ताले गुटिए जो रहे ये कौ एंड रे रहे ना जो एंडा माइक्रोपाइलरी एंड पाखरे थाए सेटा ही रहे आउ जे चला जे एंड आड़ थाए से गुड़ाक सब नष्ट हो जाए मन रहा ताले एम्ब्रियोटा कौ एंड को थाए माइक्रोपाइलरी एंड रे थाए एबे आस एबे नोट को आस तो नोट रे देखो आमर जो मेगास्पोरोजेनेसिस आम जानले प्रोसेसटा हला गुटे गेमेट फॉर्मेशन हबा मेगास्पोरोजेनेसिस जो थे एम्ब्रियो सेक डेवलप हला तो ये मेगास्पोरोजेनेसिसटा कौन ना फास्ट कौन हुए ना द स्पोरेंजेनियस टिश्यू इज प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलरी एंड ऑफ द न्यू सेल्स तो न्यू सेल्स आम जो देखिले टोटल कंटेन कर पैरेंटकाइमल टिश्यू तो आ भितर कौन थाए ना माइक्रोपाइलरी एंड पाखे स्पोरोजेनियस टिश्यू सब थाए कौन थाए स्पोरोजेनियस टिश्यू सब थाए पूर्व कही तेरे द सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कॉल्ड एमएमसी एमएमसी कौन मेगास्पोर मदर सेल एम फॉर मेगास्पोर एम फॉर मदर सी फॉर सेल मन रहा मेगास्पोर मदर सेल तो द सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल ए स्पोरोजेनियस टिश्यू रो सेल को आमे कौन कहूँ मेगास्पोर मदर सेल बोली कहूँ तार मेगास्पोर मदर सेल किसी अलग जिनस नुहे अलग जिनसटी किसी नुहे ये गोटे टिश्यूर गोटे सेल के प्रकार टिश्यू स्पोरोजेनियस टिश्यू जे न्यू सेल्स रे थाए स्पोरोजेनियस टिश्यू एथेर गोटे सेल हैला मेगास्पोर मदर सेल तो ये मेगास्पोर मदर सेल माने कौन करती ना मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज म्यूसिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज म्यूसिस म्यूसिस रे कौन करे सेल डिविजन करे टू फॉर्म फोर हाप्लोइड मेगास्पोर फॉर्म फोर हाप्लोइड मेगास्पोर चारिटा हाप्लोइड मेगास्पोर फॉर्म करे हाप्लोइड बुझी क्रोमोजोम अर्धेक क्रोमोजोम जिते थाए तार अधा तो ये कौन करे ना चारिटा हाप्लोइड मेगास्पोर फॉर्म करे देन आउट ऑफ फोर मेगास्पोर ए चारिटा मेगास्पोर मेगास्पोर रु अपर थ्री डी जेनरेट भल भाव देख अपर थ्री डी जेनरेट कौन हुए ना अपर उपरे थिबा तीन टा को डी जेनरेट हो जाए कहीं चला जाए एंड रोबनी आगुरी कही चला जाए एंड रोबनी ताले अपर थ्री डी जेनरेट एंड लोअर मोस्ट टू ए लार्ज टू फॉर्म फंक्शनल मेगास्पोर कौन बुझ पार तो लोअर मोस्ट टू ए लार्ज टू फॉर्म ए फंक्शनल मेगास्पोर जी तले थाए सीए बड़ हुए आउ गोटे फंक्शनल मेगास्पोरटे एम्ब्रियोसेक डेवलप करे तो ये तो आम पढ़ीगले आम एम्ब्रियोसेक कि डेवलप है तो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट प्रोसेस आम पढ़ले तो नेक्स्ट को आम कौन पढ़वा ना एम्ब्रियोसेक तो केवल डेवलपमेंट है तो नेक्स्ट को आम पढ़वा जे कि एग केमी फर्मेसन हम एग केमी के प्रोसेस एगटा डेवलप हम तो ये देख भल भाव देख देखिए ये मुझे डायग्राम आगे टी कहीदे चाहूँगी तो आगे डायग्राम टाक देख कनसेप्टा क्लीअर हो तो मेगाटोजेनेसिस आम कही मन मन पड़चे तो आम कौन कही मेगाटोजेनेसिस जो थे मान एगटे फर्मेसन हुए तो एगटे फर्मेसन हाँ को आम कौच कौन मेगा गेमेटोजेनेसिस सरी मेगा गेमेटोजेनेसिस तो ये मेगा गेमेटोजेनेसिस रे कौन हुए ना गोटे मेगास्पोर गोटे फंक्शनल मेगास्पोर गोटे तो फॉर्मेशन हो गला तो ये फंक्शनल मेगास्पोर मन कर यहाँ गोटे फंक्शनल मेगास्पोर ये डेवलप है यहाँ एम्ब्रियो नुहे मैंने एम्ब्रियो प्रकार मान मेच्योर एम्ब्रियो आम कही पार नहीं कहीं मेच्योर एम्ब्रियो है तो आ भितर एग थी मेच्योर एम्ब्रियो है तो आ भितर एग अच्छी ये मेच्योर एम्ब्रियो कि नाई ये गोटे मेगास्पोर बुझेगा एम्ब्रियोसेक्टे ये मेच्योर हेले तैयारी हम बुझेगा ताले ये मेगास्पोरटे तो ये सेल कौन करे ना माइटोसिस सेल डिविजन करे माइटोसिस सेल डिविजन करे तो माइटोसिस सेल डिविजन करके कौन करे ना दीटा ट्विस्ट 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 एमती चार थर भल भाव शुण देखिए कौन हुए ना फास्ट दीटा से फॉर्मेशन करे फास्ट दीटा दीटा सेल तैयारी हुए दीटा न्यूक्ली
त दुईटा न्यूक्लि फास्ट डिविजन हुए तार तार न्यूक्लियस देख अटे न्यूक्लि डिविजन हुए भल भाव शुण न्यूक्लि डिविजन हुए तो फास्ट गोटे न्यूक्लि केतटा न्यूक्लि डिविजन करे दुईटा न्यूक्लि डिविजन करे दुईटा न्यूक्लि ये दुईटा न्यूक्लि पुणी ट्विस्ट डिविजन करेंगे तो ट्विस्ट डिविजन ले कौन हम ये दुईटा आउ दुईटा न्यूक्लि डिविजन करेंगे फास्ट गोटे दुईटा हेले पुणी सेकेंड पार्ट्रे आउ थे दुईटा डिविजन करेंगे तो तापरे कौन हम आउ थे कौन हम ना पुणी दुईटा डिविजन करेंगे तेने केतटा है टोटाल टोटाल केतटा न्यूक्लि है भल भाव शुण कहीं बारंबार न्यूक्लि कथा कहे ना ये ही सर्ट क्वेश्चन आसे सबूत आसे मन रख जे कि ये फास्ट न्यूक्लि सेम डिविजन बा ट्विस न्यूक्लि डिविजन है तो मेगास्पोर ट्विस न्यूक्लि डिविजन है पुणी नेक्स्ट को ट्विस डिविजन है पुणी नेक्स्ट को ट्विस डिविजन है टोटाल न्यूक्लि आठटा है आठटा न्यूक्लि कतटा आठटा न्यूक्लि है तो ये आठटा न्यूक्लि ये न्यूक्लि वर्तमान कौन करेंगे ना ताको ऑर्डर को आसजे पोजिशन को आसजे तो पोजिशन कौन ना चालाजेंड थ्री चालाजेंड रे तीन टा सेंटर रे दीटा आउ माइक्रोपाइलर एंड रे तीन टा मन रहा तो निज निजर पोजिशन को आसजे तो चालाजेंड रे तीन टा आउ माइक्रोपाइलर एंड रे तीन टा आउ सेंटर रे दीटा न्यूक्लि तो चालाजेंड रे जो तीन टा न्यूक्लि सी फॉर्मेशन करेंगे एंटीपोडल्स सेल कौन फॉर्मेशन करेंगे एंटीपोडल्स सेल जो थे सेल तीन टा न्यूक्लि भी तीन टा मन रहा सी चालाजेंड रे पुल को अट्रैक्ट हेबे तीन टा तो चालाजेंड रे पुल को अट्रैक्ट जो तीन टा हेबे सी फॉर्म करेंगे तीन टा सेल तीन टा न्यूक्लि थिबा एंटीपोडल सेल नेक्स्ट सेंटर को दीटा सेंटर को दीटा अट्रैक्ट हे जे सेंटर को दीटा अट्रैक्ट हे सी फ्यूज हो सेलटा फ्यूज हो न्यूक्लियस नुहे न्यूक्लियस दीटा रहीबो न्यूक्लि दीटा सेल गुटे न्यूक्लि दीटा सेंट्रल जे रहिले न्यूक्लि दीटा सेल गुटे मन रहा तो ये सेल गुटे न्यूक्लि दीटा जी सेंटर को अट्रैक्ट हेले सी है सेकेंडरी न्यूसेल न्यूक्लियस कौन सेकेंडरी न्यूक्लियस नेक्स्ट नेक्स्ट कौन जी माइक्रोपाइलरी एंड को अट्रैक्ट हेले तीन टा ये दीटा ये दीटा ना ये तीन टा ये दीटा पांचटा पल आगे कतरा तीन टा तो ये माइक्रोपाइलरी एंड को जी तीन टा अट्रैक्ट हेले तार दि साइड्रे एपट साइड रे लेफ्ट ऑफ राइट को देखा तो लेफ्ट ऑफ राइट साइड रे कौन है ले? ना साइनर्जिट फॉर्मेशन कले साइनर्जिट सेल मझीटा गोटे लंग एलंगेटेड गोटे बड़ बड़ साइज रे लंग साइज रे तो सी डेवलप हम ताको आम कह एग सेल तेने टोटाल जो सेल देखा ये है तीन टा सेल ये है तीन टा सेल ये है गोटे सेल सेल देखिले सेभेन सेल भल भाव देख तीन तीन छः एक सात सेभेन सेल बट न्यूक्लि देख न्यूक्लि ये क्वेश्चन टा आसे तो न्यूक्लि कौन कत न्यूक्लि गोटे दुईटा तीन टा ये तीन टा न्यूक्लि थिला ये दुईटा न्यूक्लि थिला ये भी तीन टा न्यूक्लि अच्छे तेना आठटा न्यूक्लि तेज न्यूक्लि किसी चेंजेस ना न्यूक्लि जो आठ थी से आठ कि सेल रे चेंजेस कमी गोटे कहीं सेंट्रल सेंटर कौन सेंट्रल फ्यूज हो बुझीगला तो आपको आम थ्योरेटिकली कौन लिखा ना मेगाटोजेनेसिस रे लिखा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल बाय माइटोसिस इज कॉल्ड मेगाटोजेनेसिस बुझेला जो प्रोसेस रे एग सेलटे फर्म हम माइटोसिकली ताको आम मेगाटोजेनेसिस कहवा तो फास्ट कौन हुए ना द फंक्शनल मेगास्पोर आगे पढ़ने जो फंक्शनल मेगास्पोर द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फास्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है सी कौन करे द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड ट्विस टू फॉर्म एट डॉटर न्यूक्लियाई से ट्विस ट्विस डिवाइड करके आठटा डॉटर न्यूक्लियाई रे परिणत करे तापर कौन हुए ना फोर ऑफ ईच न्यू लोकेटेड
ईच एंड ऑफ पूल जहाँ को आम कौन कौ फोर ऑफ ईच लोकेटेड ईच एंड ऑफ द पूल प्रथम तो आम देखो चारिटा दीटा दीटा दी पूल को पल जाती चारिटा दी पूल को आट्राक्ट हो जाती फास्ट फास्ट चारिटा जाक दीटा पूल को आट्राक्ट हो जाती एंड टू न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम पूल टू नि दीटा न्यूक्लियस दीटा न्यूक्लियस कौन कैर दीटा न्यूक्लियस पूल रु माइग्रेट कर आसे पूल रु पलि आसती एकुड़ मानने ओपर पूल रु चलाजा एंड रु आ माइक्रोपाइलर एंड रु दीटा पूल रु पलि आसती तो टू न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम पूल टू सेंट्रल एंड फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस से माने फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस करती मन रहा तापर नेक्स्ट देख थ्री सेल आर ग्रुपेड एट द माइक्रोपाइलरी एंड तीन टा सेल ग्रुप हो जाती माइक्रोपाइलरी एंड रे तने थ्री सेल आर ग्रुपेड एट द माइक्रोपाइलरी एंड टू फॉर्म एग अपरेटस जी एग अपरेटस तैयारी करे जो थे साइनोजिट दीटा एंड एग सेल गुटे बुझेगा तापर नेक्स्ट थ्री सेल लोकेटेड चलाजा एंड कॉल्ड एंटीपोडल सेल चलाजा एंड तीन टा जाती देखा जाती जहाँ को आम एंटीपोडल सेल कहले ताले टोटल उपरे आम जदि देखु एम्ब्रियो कंटेन सेवेन सेल एंड एट न्यूक्लाई मन रहा तो ऑल ओवर आमर ए लॉन्ग क्वेश्चन टा पूरा कंप्लीट हो गला तो आमर दुटा जाक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गला एटा आमर लॉन्ग क्वेश्चन कौन बुझले फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिंग प्लांट आउ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिंग प्लांट ऑल ओवर आमर कंप्लीट आपर आमर नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा पॉलिनेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो पॉलिनेशन किभली हुए एम्ब्रियो डेवलपमेंट किभली हुए तो नेक्स्ट क्लास को आम इस विषय जानवा तो आज ये शेष कलु आहुची ए नोट को जहाँ भी कंप्लीट करना ओवरलुक आउ थे कर दियो आउ जहाँ भी किसी डाउट रही मते कमेंट रे जनइबो थैंक यू।